बेटा उठ जो, जयपुर का युद्ध लड़ना है आपने। उधर वो दुश्मनों ने हमला कर दिया है हमारे वो जुमजुमा किले पे। 90% तो हमारे बैग जो है डन हो चुके हैं, थोड़ी सी जगह रह गई है बस। इसमें शूज वगैरह रख लेंगे। तू भी जाए अपना, जो है डेंटिंग पेंटिंग जो है कराया फिर यार। सारी नहीं होएगी, आज आधी होएगी। हैं? आधी। पेंट भी कराना है, रबिंग रबिंग होगी तेरे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है जी आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। और यहाँ पे कृतिका दिखा रही है मुझे कि कपड़े अच्छे से साफ नहीं हुए हैं। क्या हो गया? मशीन कपड़े साफ ही नहीं कर रही, देखो कितनी गंदी हो। नमी लेनी पड़ेगी, बेकार है। ऑटोमेटिक मशीनें बड़ी बेकार होती हैं, मैंने देखा है। मैनुअल मशीन होती है ना, जो जिसको ऐसे चक्रा घुमाओ वो पूरा पहले घुमा के धोएगी कपड़े, फिर उसको निकाल के फिर सुखाने वाले में अलग से डालो, वो बढ़िया होती है मशीन। ऑटोमेटिक का तो है नहीं सीन, ऐसे धोती है कपड़े को जैसे कपड़े की मसाज कर रही है ना, मतलब कपड़े कुछ होना चाहिए, मैल तक नहीं उतरती कपड़े की इससे। तो गाइस फिलहाल तो जी तैयारियां वगैरह लगी हुई हैं और ऑलमोस्ट हमारी पैकिंग हो चुकी है। अभी नीचे चल के आपको दिखाते हैं। अभी फिलहाल तो छत पे आया था थोड़ी धूप वगैरह सेकने के लिए, और कृतिका आई है यहाँ पे कपड़े वगैरह सुखा रही है जो छोटे मोटे रह गए हैं वानी के। और आज हमारी पैकिंग खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी टेंशन हो रखी है कृतिका का ना, गला सही नहीं हो रहा और ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है, मतलब आवाज़ इसकी भारी होती जा रही है। और मेरे को ये डर है कि कहीं ये पॉजिटिव ना आ जाए तो दिक्कत ना हो जाए। वैसे तो वैसा कुछ नहीं है, मतलब यार यार देख लेंगे, चल जो भी होगा, मतलब क्या करें, अब एक को तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो दोनों नहीं जाएंगे तो एक बंदा तो जाएगा ही ना। दो दो टिकटें थोड़ी वेस्ट कर देंगे। आप मेरे लिए इतनी सी भी कुर्बानी नहीं दे सकते प्रिंस? हाँ। कुर्बानी कौन देगा, कुर्बानी तो मुर्गा ही दे सकता है सिर्फ। A few moments later. देखो जी फ्रेंकी तभी तक सो रहा है, टाइम देखो क्या हो चुका है, 2:55। बेटा उठ जो, जयपुर का युद्ध लड़ना है आपने। उधर वो दुश्मनों ने हमला कर दिया है हमारे वो जुमजुमा किले पे। हैं? वो जुमजुमा किले पे उठा के ले गए सारी आपकी गर्लफ्रेंडों को। हैं? जाना दो आपको, कोई परवाह नहीं, सारे फ्रूट उठा के ले गए आपके, चीकू केला अनार सब उठा के ले गए। यार मेरे ना बड़े सारे काम रह गए हैं करने वाले, और मेरे को समझ नहीं आ रहा, एक दिन रह गया सिर्फ, एक दिन बाहर जाना है हमने, वहाँ पे सॉक्स वगैरह लेके आनी है और एक दो छोटे मोटे काम है। जोकी की नहीं, रीबॉक वगैरह की दूंगा ये चग्गी में चलते हैं वहाँ देखते हैं। और ये जी हमारी पैकिंग हो चुकी है, एक बार मैं देखूँ अपने टैची में क्या क्या रह गया है। सूटकेस इतना बड़ा, सामान इसमें इतना आया नहीं अभी। अरे मैं बैग फूक गया ना, बैग रख लूँ मैं इसमें अपने टैची में। हाँ मेरे ये रेटर पड़े हो गए। मेरा भी रख लो सामान। हैं? मेरा भी रख लो सामान। मेरे को भी रख लो चाहे इसके अंदर ही। हाँ मेरे को भी इसमें रख लो, अगर जगह बची है तो रख लो, पैक कर दो मेरे को। मेरी पूरी एक साइड खाली पड़ी है, पैक कर दो। सो गाइस जी देखो यहाँ पे सारा, एक कृतिका का सूटकेस है, ये मेरा सूटकेस है, ये अभी इतनी जगह खाली पड़ी है, इसमें समझ नहीं आ रहा क्या रखें। बैग वैग रखेंगे और शूज वगैरह रख लेंगे यहाँ पे। तेरे सूटकेस में जगह है? नहीं यार, ये इतनी जगह में तो मैं तेरे को भी रख के ले जा सकता हूँ। हो ही गई है जिम कर करके। सबसे ज्यादा मेन काम है ना जो वो रह रहा है करेंसी एक्सचेंज वाला, वो समझ नहीं आ रहा। 2-3 जगह मैंने रेट ट्राई किया, कहीं पे ज्यादा बता रहे हैं कहीं पे कम बता रहे हैं। और चंडीगढ़ में थोड़ा मेरे को सही रेट मिला, पर चंडीगढ़ जाएगा कौन? सो कुछ ट्राई करते हैं, अगर वहां से कोई आ रहा है तो उससे मंगवा लेते हैं करेंसी। और बाकी फिर ऑलमोस्ट तो सारी पैकिंग हो ही चुकी है। आज का जो मेन काम है, एक तो मेरे को जग्गी पे जाना है, वहां से थोड़ा सा अपना सारा सामान वगैरह लेके आना है, और एक सूट के साथ बिल्कुल पैक करके रख देना है, मतलब सारा सामान टोटली पैक कर देना है, उसका बिल्कुल छेड़ना नहीं, मतलब एकदम ओके कर देना है। और उसके अलावा परसों सुबह हम जाएंगे पानीपत नानी के घर जाएंगे, वहाँ पे रुकेंगे, क्योंकि वहाँ से फिर पानीपत से दिल्ली नज़दीक है। सो 15 को सुबह हम निकल जाएंगे फिर दिल्ली के लिए, क्योंकि हमारी दोपहर की फ़्लाइट है। तो मेरा ये प्लान है कि 10 बजे तक हम एयरपोर्ट पहुँच जाएँ, क्योंकि फिर 3-4 घंटे पहले तो एयरपोर्ट पहुँचना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो देखने वाली होती हैं वहाँ पर जाके। सिक्योरिटी चेक वगैरह में ना टाइम वगैरह लग जाता है बोर्डिंग पास वगैरह लेने में। सो अपना हमने है कृतिका परसों, यहाँ से परसों सुबह चलेंगे हम पानीपत, ठीक है? पानीपत में जो छोटे मोटे काम है, मैंने वहाँ एक चश्मा बनवाना है वो बनवा लूँगा, और तो छोटे मोटे ही काम होंगे जो देख लूँगा कुछ भी है। और उसके बाद अपना फिर उससे अगले दिन जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है ना? सुबह पानीपत से नज़दीक भी है ना, यहाँ से गाड़ी लेके जाएंगे और वहाँ से ड्राइवर करके ले जाएंगे ना फिर पानीपत से, और वापसी में भी पानीपत ही खड़ी कर देंगे ना गाड़ी। A few moments later. 90% तो हमारे बैग जो है डन हो चुके हैं, थोड़ी सी जगह रह गई है बस। इसमें शूज वगैरह रख लेंगे, एक ये वाली चप्पलें भी लेके जानी है, ये भी रखनी है। इसमें मैं सोच रहा हूँ और लगवा के लाऊं, गुड्डे से लगवा के लाऊं और इस पे हैं, वेस्ट ऑफ मनी है वैसे, है ना? पर ये ऐसे ज़्यादा सिंपल सी नहीं लगती,
सही लग रही है ऐसी चप्पलें। हाँ और अपना बाकी तो बस चलो, और तो कुछ नहीं है रखने वाला। अवानी के कपड़े रख लिए सारे, चल रख ले कुछ। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं जग्गी पे सामान वगैरह लेने के लिए, चलें फिर हैं। कर रहे हैं अपने जड़ जड़े रह गए काम। कृतिका तेरा कोई सामान तो नहीं लाना है, वो तो मैं ले आऊंगा। और देख लो और कुछ, चल देखता हूँ मैं जाके देखता हूँ, क्रॉक्स में जाके देखूंगा, अगर कोई बढ़िया मिला क्रॉक्स से ले आऊंगा। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे रेडी हो गए। सो गाइस हो चुके हैं जी रेडी, अभी चलते हैं जग्गी सिटी सेंटर। चले भाई, मेरा दिल तो बहुत कर रहा है कि आपको बता दूँ कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। बता दूँ क्या? नहीं अभी नहीं बताता, इससे अगले व्लॉग में बता दूंगा। चलो पक्का है, सीधा बोर्डिंग पास दिखाएं। चलो सीधा आपको बोर्डिंग पास दिखा देंगे एयरपोर्ट पहुँच के कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। तब तक आप बस बने रहो हमारे व्लॉग्स पर। मैं बता नहीं सकता आगे, काफ़ी बढ़िया बढ़िया व्लॉग आने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजेज हैं आपके लिए, वो आपको थोड़े दिन में आने वाले व्लॉग्स में देखने को मिल जाएंगे। बस आपने हमारे व्लॉग्स को रोज़ आना है और फॉलो करते रहना है। क्या बना रहे हो? कटहल की सब्जी बन रही है। यार एक अजीब से नहीं लगते खाने में? टेस्टी लगते हैं। ये नकली मुर्गा है? हाँ नकली मुर्गा है। ब्यूटी पार्लर में अपना थोड़ी डेंटिंग वेंटिंग सी जो करा के आनी है कराया, मेरी तो हो रखी है। मैं तो एकदम कराया था डेंटिंग वेंटिंग अपनी, तो थोड़ी सी सेटिंग सी करानी है। यहाँ पे ना बाल आ जाते हैं दाढ़ी के ना, तो फिर उसको बस थोड़ा सेट करा के आ जाएंगे और अपना बाकी तो सही है। ओके एयरपोर्ट अपनी तू बस कराया अपनी, क्योंकि जिन लड़कियों का ज़्यादा होता है ना डेंटिंग वेंटिंग करानी पड़ती है, उन्होंने पता नहीं क्या कराना बस खराब, पता नहीं 500 तरह की तो क्रीमें लगा के मुँह पे नकली चिट्टा पर लाना होता है इन्होंने मुँह पे। कुवानी से नहीं मिलवाया, वानी अभी ना सो रही है, दोपहर को उसको सोने का टाइम होता है, दोपहर को उसको सुला देते हैं आराम से। 3-4-5 बजे उठती है वो, फिर थोड़ी देर खेलती है रात तक और फिर आराम से हो जाती है। वैसे रात को तो 12-1 बजे सो रही है, आजकल तो ये शेड्यूल हो रखा है उसका, सभी थोड़ी देर में वानी जागती है, उससे मिलवाते हैं आपको। वैसे ना मैं बड़ा अच्छा लगता है मुझे, जैसे मैं ब्लॉग वगैरह डालता रहता हूँ, वानी बड़ी होकर अपने ब्लॉग देखा करेगी कि मैं इतनी छोटी सी थी, 1 साल की थी तभी प्लेन में बैठ गई थी, अभी तो उसको समझ नहीं आ रहा, अभी हम उसको साथ लेके जा रहे हैं, अभी उसको इतना कुछ महसूस नहीं होगा कि मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ पे जा रही हूँ, कहाँ पे नहीं जा रही। बट क्योंकि अभी 2-3 साल की हो जाएगी तब उसको थोड़ा समझ आने लगेगी कि चीज़ों के बारे में। बट ये है कि वो अपने ब्लॉग जब खोल के देखेगी ना तो उसको बड़ा अच्छा लगा करेगा। 2000 years later अभी क्या किया जा रहा है? ये देखो ट्रेन के डिब्बे लगे हुए हैं, पूरे बोगियाँ लगी हैं, घिसा मत नीचे स्क्रैच पड़ जाएंगे उसके, 5 करोड़ की टच ही है वो। हाँ काश हम मम्मी को भी ले जा सकते टैची में पैक करके। ये हमने सामने खोल के इसलिए सजा रखी है कि हमें याद आता रहे, जो भी हमें दिखता है कपड़ा वो हम तय करके फिर इसमें रख देते हैं। अगर ये बंद रहेंगे ना तो फिर हम इधर उधर बेड पे फेंक देंगे, अभी रख लेंगे बाद में रख लेंगे, फिर वो बाद में भूल जाते हैं, इसलिए इनको खोल रखा है कि जैसे ही कुछ दिखे सीधा इसके अंदर इंस्टॉल कर दो। मुझे ये नहीं समझ आता कुत्ते हमारा डाइपर क्यों उठा के ले जाते हैं, हैं कुत्ते डाइपर उठा के लेके देखे, मेरा दिमाग खराब हुआ ना जिस दिन पैंपर का बड़ा वाला डब्बा ला के ना एक सारे गली के कुत्तों को डाइपर लगा दूंगा। पता नहीं क्या निकालना होता है उन्होंने डाइपर में से। गाइस अभी टाइम हो रहा है 4:15 और आ चुका है जी हमारा लंच। इस टाइम पे हमारा लंच हो रहा है, मतलब हमारे खाने का भी शेड्यूल बिगड़ गया है ना पूरे जाने के चक्कर में। चलो ये है जी नकली चिकन, नकली चिकन ही कहते हैं इसको, कटल। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर वानी उठ गई है और वानी कर रही है जिद, क्या चाहिए आपको? इसको हेलो कर दो सबको, ये हाँ छोड़ना एक बार, छोड़ना नीचे छोड़ना एक बार इसको, सामान निकाल के फेंकना। जाओ क्या करना चाहते हो जाओ। ए ए ए ए ए बैग के पास पहुंची वानी। हाँ ये चम्मच किसी ले रखी, क्या खा रहे हो चम्मच से वानी? वानी 2 दिन बाद आप जा रहे हो इंटरनेशनल, कैसी फीलिंग है वानी? कैसी फीलिंग है बता दो तो, इग्नोर इंटरव्यू में नहीं देते, ये तो बड़े लोग हैं। ये गिलास उठा लो यहाँ से, ये तो जाते रहते हैं। हाँ ये बड़े लोग हैं, ये जाते रहते हैं। वानी चलो मैं अभी आ रहा हूँ बाहर जाके, ठीक है सामान वगैरह ले आऊं, पैकिंग कर लें फिर हम जा रहे हैं इंडिया छोड़ के। ओके है वानी, आजो वानी अब गिर ना जाना। चलो आ रहा हूँ मैं अभी फिर, पैकिंग चले फिर। ये कृतिका ने ओके कहाँ से बोला? बेड के नीचे से, अंदर से। अच्छा वहां से। हाँ फिर तू भी जाए अपना जो है डेंटिंग वेंटिंग जो है कराया फिर यार, सारी नहीं होएगी आज अंदर होएगी है, पेंट भी कराना है, रबिंग रबिंग होगी तेरे पे, नहीं रबिंग रबिंग करानी है, पेंट भी करवाना है। मैंने पेंट भी कराना है, पेंट भी कराना है और मतलब फिर ऊपर प्राइमर वो कराइयो, भट्टी पेंट कराइयो, फिर पेंट पुट्टी भी करवा दी और भट्टी वाला पेंट कराइयो, गर्म भट्टी में रख देते पेंट पक्का हो जाता है पूरा एकदम। चलो हम चलते हैं यार। इस मैं अपनी बाइक का ना कोई अच्छा सा नाम रखना चाहता हूँ, क्या रखूँ? ब्लैक मॉन्स्टर तो हमारी उसका था डोमिनार का, इसका क्या नाम रखूँ मैं?
द डेविल, ब्लैक डेविल। हमारी बाइक का जो नाम है ना वो है ब्लैक डेविल। बड़ा सही नाम बताया तूने, डिजर्व, ये डिजर्व भी करती है ना। कल प्रियंकी तूने बाइक चलाई है, तुझे कैसा लगा?